सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पहले लोग भावुक हुआ करते थे, रिश्ते निभाते थे, फिर प्रैक्टिस हुई, रिश्तों से फायदा उठाते थे और अब प्रमोशन है, फायदा उठाया जा सके ऐसे रिश्ते ही बनाते हैं। कभी कभी इंसान सच में हार जाता है, खामोश रहते रहते सफाई देते देते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते। आज का पंचांग 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की रात्रि 8:26 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र दोपहर 2:02 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:11 से 1:36 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर दोपहर 2:02 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि में संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार, आपके अध्यापक या सलाहकार आपकी मेहनत को नोटिस कर रहे हैं। आपके नेतृत्व के गुणों और प्रतिभाओं को भी पहचान मिल रही है। इस पल के रोशनी का मजा लें, उस रिश्ते को समाप्त करें जो काम नहीं कर रहा है। यात्रा दिल के दर्द के लिए एक उपहार हो सकता है। कलात्मक पेशे वाले के लिए आज के दिन सर्वोत्तम है। अपने काम को समय पर पूरा करना चिंता का विषय बन सकता है। फोन या ईमेल के जरिए कोई अप्रत्याशित समाचार भी मिलेगा। आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में भी हैं, लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके पास अच्छी संचार कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तनाव घटाने के लिए किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं अपने परिवार, लेकिन शारीरिक आनंद के चक्कर में ना पड़े। आज अचानक कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है जिसे आप अपने आप को मानसिक तथा भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। प्रकृति आपका भरपूर सहयोग कर रही है। अपनी पूरी क्षमता व मेहनत अपने कार्य को पूरा करने में लगा दे, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। किसी व्यक्ति के साथ बार बार तुलना होने पर आपको दुख होगा, साथ में उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक और जलन की भावना उत्पन्न होगी। अगर आपके जीवन में किसी व्यक्ति का हस्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उस व्यक्ति को तुरंत सूचित करें, वरना तकलीफ बढ़ सकती है। अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में जानकारी जरूर हासिल करें, लेकिन उनकी क्षमताओं को देखकर इनसिक्योरिटी ना बढ़ने दें। पुराने रिलेशनशिप के बुरे अनुभवों के कारण आप नए रिलेशनशिप को खराब कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। करियर में कोई खास उठापटक की स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि भविष्य की बड़ी योजनाओं को पक्का रूप दे सकें। कान में दर्द रह सकता है, ध्यान रखें। ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, दौड़ धूप अधिक करनी भी पड़ सकती है। कमीशन एजेंटों को खास लाभ हो सकता है। प्रकाशन व्यवसाय वालों के लिए अनुकूलता रह सकती है। मानसिक सुकून रह सकता है। किसी खास मित्र के कारण महत्वपूर्ण काम साधने में सफलता मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है जो आपके लिए गर्व का विषय हो सकती है। थकान की अधिकता भी रह सक्ती है। सावधानियां, क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। किसी संबंधी या पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा अपने काम से ही मतलब रखें, दूसरों की फिजूल बातों को नजरअंदाज ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य रखेंगे जिससे घर में खुशनुमा व सुखद माहौल रहेगा। अपनी बेचैन जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपनी सूरत पर भी ध्यान दें। रोमांस में आई समस्याओं को आप आपसी तालमेल से दूर कर सकती हैं। काम में बॉस या वरिष्ठ अधिक आपसे प्रभावित होंगे। आज परिवार के साथ छोटी सी यात्रा का योग है
अपने लव को प्रभावित करने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है, जो आपके लिए रूह और रिश्तों से आता है। आपका प्यार अगर रूठ गया है तो एक आलिंगन या किस उसे मना भी सकता है और आपके प्यार को और भी गहरा बना सकता है। अगर आपको अपने तरीके और अपने पार्टनर के तरीके में से एक को चुनना पड़े तो आपके सामने एक मुश्किल स्थिति आ जाएगी, लेकिन शांति बनाए रखें और किसी भी मुद्दे को लेकर अपने परिवार से आक्रामक तरीके से सवाल ना करें। जितना प्यार वो आपसे करते हैं उसे लौटाने की कोशिश करें और किसी और के कहे अनुसार चलने के बजाय उस मुश्किल कार्य की याद उन्हें जो आपने एक साथ काटा था। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने सभी कार्यों को जल्दी पूरा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने बेचैन, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजन अधिक समय लेने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएगी। एक दिन की छुट्टी लेना इस बात का उपाय है ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा। आज आपको कोई ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके वित्त में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो आजीविका के लिए आज कुछ अलग करने की भी जरूरत है। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद आज आप जीवन की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दें। अपनी बैठकों और अटके हुए काम को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए यह समय बेहतरीन है। उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और असामान्य जोखिम लेने के बजाय फायदेमंद योजनाएं बनानी चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ईमानदार और जिम्मेदार और समृद्ध होने की कोशिश करें। फालतू के वाद विवाद से दूर रहें। प्रोडक्शन संबंधित काम में कमी आने से तनाव हो सकता है। मार्केटिंग तथा संपर्क क्षेत्रों को मजबूत करने में अधिक समय बिताएं। कुछ पेमेंट आ जाने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। नौकरी में किसी प्रकार की राजनीति हो सकती है, इसीलिए सावधान रहें। बात करते हैं सेहत की। आज इस बात की संभावना है कि आपको साचे प्रयोग की किसी त्वचा का संक्रमण हो जाए, इसलिए अपने नहाने धोने तथा साफ सफाई की चीजों को ध्यान पूर्वक अलग तथा साफ सुथरा ही रखें। दरअसल अब आपको अच्छे स्वास्थ्य अतिरिक्त साफ सफाई रखनी होगी। आपको अपनी आँखों को भी धूल मिट्टी से बचाना होगा, नहीं तो आँखों में भी एलर्जी की समस्या हो सकती है। आज का उपाय। आज आप गणेश भगवान जी को नारियल चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।